हेलो ऑल, वेलकम बैक टू किल पांडे शो 2.0। दोस्तों, धर्मा प्रोडक्शन का नया मूवी जुग जुग जियो का ट्रेलर आ चुका है। ये आगे कपल ऑफ पहले धर्मा प्रोडक्शन ने अनाउंस किया था कि एक बड़ा मूवी, बड़ा बजट का मूवी एक वो लोग ये साल रिलीज करेंगे, और इसका जो डायरेक्शन है राज मेहता करेंगे। उससे पहले उन्होंने गुड न्यूज किया था। गुड न्यूज अच्छा फैमिली ड्रामा, फैमिली अच्छा ही कॉमेडी मूवी था, वो ठीक ठाक किया था दोस्तों। तो अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बहुत दिनों बाद जो धर्मा प्रोडक्शन का जो ट्रेडमार्क है फैमिली मूवीज बनाने का, वो हमको शायद देखने मिलेगा। दोस्तों, देरी नहीं करते हैं, इसमें हमको वरुण धवन, कियारा आडवाणी, अनिल कपूर एंड नीतू सिंह जी देखने मिलेंगे। देखते हैं हमको क्या किस टाइप का फैमिली ड्रामा या क्या एक्चुअली स्टोरी है, वो थोड़ा हमको देखने मिलेगा। आइए दोस्तों, ये जो जुग जुग जियो का ट्रेलर है ऑफिशियल, ये देखते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों। मनीष, तो बिना शर्माए एक साथ बताओगे कि तुम्हें एक दूसरे से क्या चाहिए? शादी तो भी दिखाया। मिमी की शादी के लिए घर जा रही है, उसकी शादी हो जाने तक इस डिवोर्स के डिसीजन के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। अच्छा, इंडिया वापस आ, पंजाब। पापा अपने बच्चे के डिवोर्स के बारे में सुनने के लिए जोन में होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ना, कम। ये बिना शादी के बाद इतनी बोरिंग क्यों हो जाती है? पापा, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली है। अरे भैया, मुंह से निवाला छीन ले, तू बात की बात कर रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल पता है कौन सा है? कौन सा होता है? घरवाली। क्यों? क्योंकि उसे बार बार मनाना पड़ता है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं तेरी मम्मी को डिवोर्स कर रहा हूँ। ये तो डिवोर्स करना है तो यही दे रहा है। वैसे दोनों भाई है। अगर तुझे कुछ टिप्स चाहिए ना, तो अपने पापा से ले लेना। पुराने खिलाड़ी है, अच्छी सलाह दे। वो तो अलग दे रहा है, डीवर देने का चक्कर में खुद ही है वो। ये गाना तो अच्छा चल रहा है। तेरी माँ मीरा से मिलना चाहती है। मीरा कौन है? पापा जी की गर्लफ्रेंड। रिश्ता टूटने की कोई एक वजह नहीं होती, बहुत सी अधूरी लड़ाइयों की थकान होती है बस। डिवोर्स लेने का सोच रहे हैं? नहीं तो बोल, ये नहीं बोला। ये दोनों और कौन? कान खोल के सुनो तुम दोनों, इस घर में ना कभी तलाक हुआ है और ना कभी तलाक होगा। ठीक ठाक था, डिसेंट है ट्रेलर ना, लाइक कोई कॉमेडी वॉमेडी होगा, फैमिली ड्रामा होगा, हल्का फुल्का, क्योंकि थोड़ा प्रेडिक्टेबल लग रहा है कि वो जैसे डिवोर्स देखने आ रहे हैं। लास्ट में रियूनियन भी दिखा रहा है, कम बैक सेलिब्रेट द फैमिली रियूनियन, तो मुझे लगता है कि फिर से वैसा देखने मिलेगा। एंड मुझे लगता है कि जो मेनली जो कॉमेडी पोर्शन होगा वो अनिल कपूर जी पे होगा, है ना? वो उनका ही मुझे ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है, उनका ही देखने का। कुछ कुछ थोड़ा मनीष पॉल का भी होगा, मनीष पॉल का भी थोड़ा हो सकता है। देख, वो स्टोरी जैसा वरुण धवन का होता दिखाया, पर जैसे ही पंजाब का सीन दिखाना स्टार्ट हुआ, अनिल कपूर पूरा हैवी छा गया, पूरा उन्हीं का ही चल रहा है। वो दोनों का केस में उन्हीं का मेन है। तो मुझे लगता है उनका ज्यादा अच्छा कॉमेडी हमको देखने मिलेगा, उनसे एक्टिंग भी प्लस अच्छा था। नीतू सिंह जी को बहुत दिन बाद देख के अच्छा लग रहा है, उनको ऐसा मूवी सब में फैमिली सब देखने से। और इस टाइप का जो अधूरा उधर का जो वो वर्ड बोल रहे थे ना कि रिश्ते का, जैसे अधूरे फाइट्स जो था, हाँ फाइट्स, ऐसा नहीं कि एक ही फाइट होता है या ऐसा बहुत सारा होता है। मेरे को अचानक उनका पूरा अर्ली डेज का ना कभी कभी याद आ गया, बहुत पहले वैसे ही उनका भी कॉम्प्लिकेटेड जो फैमिली मूवीज रहता था वो तो बहुत, है ना?
वैसा वाला थोड़ा याद आ गया कि नीतू सिंह जी कितना सीनियर एक्ट्रेस हैं, वो कब हम बच्चे के टाइम ऐसा मूवीज आया था और कहां से कहां वो पहुंच चुके हैं। अच्छा एक ही मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगा कि इसमें प्राजक्ता का एक भी डायलॉग नहीं था। हाँ, देखा बेचारी उसी का सारी के लिए आया है गिन्नी का एंड उसको सिर्फ एक तो ग्लिम्स में दिखाया जबकि वो हम जानते हैं कि वो कितना अच्छा वो कॉमेडी करते हैं और कितना लाइक कॉन्फिडेंट है क्योंकि वो उनका यूट्यूब चैनल इतना फेमस है। वो मेरे हिसाब से अगर मनीष पॉल का भी अगर डायलॉग्स है तो प्रोजेक्टर का भी रहना था ना, वो एक डिसअपॉइंटमेंट लगा क्योंकि एक यूट्यूबर को फेमस इतना स्ट्रगल होके एक अगर बिग स्क्रीन में पहुंच रहे एक दो डायलॉग तो उसको उनपे देना ही था क्योंकि उनके भी बहुत फैंस है। इसीलिए बोला उनका भी रहने से अच्छा लगता है एंड गाना से मुझे लग रहा है दोस्तों पंजाबी फ्लेवर बहुत आएगा लाइक जैसा हाँ डांस नंबर होगा एक दो जो भी जो दिखाया ट्रेलर में वो तो अच्छा ही लगा है पंजाबी फ्लेवर उसमें पूरा था और बहुत ही ऐसा लग भी रहा है बहुत ही वो क्या बोल सकते हैं हाई क्लास सोसाइटी का ही है ना ये मूवी कोई इसमें कोई पूर्व वर्ग का दिखने का चांस नहीं सब हाई क्लास ही था। तो देखेंगे दोस्तों इसके बाद अगर कुछ गाना वाना आएगा इसमें मुझे लग रहा है गाना पे जरूर हम रिएक्शन देंगे क्योंकि अच्छा लग रहा है सुनने के लिए। वरुण धवन भी ठीक ठाक दिख रहे हैं सब कुछ दोस्तों जो ओवरऑल जो दिख रहे हैं इसमें ठीक ठीक है। कियारा एडवाइन भी ब्यूटीफुल दिख रहे हैं उनका ज्यादा डायलॉग नहीं मुझे नहीं लगता है कि उनका कुछ कॉमेडी पोर्शन होने वाला है मैक्सिमम जो भी है अनिल कपूर जी पे ही शायद रिवॉल्व होने वाला है उसको और उनका और वरुण धवन के बीच में है ना। तो ठीक है दोस्तों डिसेंटली लगा आपका क्या ओपिनियन है इसको लेके हमको जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अभी टेक केयर।